Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद. तो ये रहा, अगर आपने इसका इंग्लिश अनुवाद किया है तो आप इनसे मैच करके जहाँ पर भी गलतियाँ वहाँ पर सुधार लीजिए. ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वे है. रोज एक स्ट्रक्चर से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कीजिए. सिर्फ एक स्ट्रक्चर सीखिए रोज. रोज अगर एक स्ट्रक्चर ही सीखेंगे आप तो एक महीने में, एक या डेढ़ महीने के बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छा वे है. आप शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखा कीजिए अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो. और अगर सिर्फ चेक करने के लिए आते हैं कि इसमें क्या पढ़ाता है, कैसा पढ़ाता है, देखते हैं ज़रा, तो फिर अभी बाहर निकल जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आपने हर वीडियो, मेरा हर वीडियो शुरू से अंत तक देखा और उसका दिया गया टास्क पूरा किया तो आप दो महीने के अंदर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, उसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में भी बताया था कि कैसे बनाते हैं. ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, यानी कि अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल. मीन्स इसका सरल पहचानने का जो नियम बताया था मैंने कि जब सेंटेंस का अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ रहता है तब वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. और ताते ती किस में आता है, वर्ब के साथ आता है, वर्ब के अंत में आता है. बिना वर्ब के होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहलाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे उसी में इन्फिनिटी. अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत कुछ सीखने के लिए है. ओके फ्रेंड्स, सिर्फ इतना नहीं, ज़्यादातर लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि वह स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ, तुम चाय नहीं पीते हो, बस इतना ही लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग. बट इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ाने के लिए होता है, तो चलिए सीखते हैं. ये चार सेंटेंसेस मैंने लिख दिए. वह खेलने जाता है, मैं सिनेमा देखने नहीं जाता हूँ, क्या तुम जीतने की कोशिश करते हो, वह क्यों जाना चाहता है. ये चार सेंटेंसेस हैं. अब इसमें इन्फिनिटिव क्या है, इसमें डबल वर्ब है, एक जाना और एक खेलना. ओके फ्रेंड्स, तो जब भी हम दूसरे वर्ब, मेन वर्ब के बाद दूसरे वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पर हम टू लगाते हैं. जैसे ही गोज, ये जो लास्ट में जिसमें ताते थी आता है ना, वो मेन वर्ब होता है, तो ही गोज हो जाएगा. फिर उसके बाद टू लगाएंगे, फिर उसके बाद प्ले. अगर इसके बाद कुछ आता है तो उसके बाद ही लिखेंगे. जैसे वह फुटबॉल खेलने जाता है, ही गोज टू प्ले फुटबॉल. वह फुटबॉल खेलने रोज जाता है, ही गोज टू प्ले फुटबॉल एवरी डे. ओके फ्रेंड्स, मैं सिनेमा देखने नहीं जाता हूँ, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में डू डज प्लस नॉट या डोंट और डजंट का इस्तेमाल करते हैं. तो आई डोंट, शॉर्ट फॉर्म डू और नॉट का, आई डोंट गो टू वॉच मूवी. आई डोंट गो टू वॉच मूवी, इसमें भी जाना वर्ब हो गया और देखना सेकेंड वर्ब हो गया. ओके फ्रेंड्स, तो इन्फिनिटिव क्या हो गया, ए टू लग गया वर्ब से पहले, तो इन्फिनिटिव हो गया. अब ये जो टू के बाद जो वर्ब आता है वो जैसा का तैसा लिखेंगे, इसके अलावा तो फर्स्ट फॉर्म, ना सेकेंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना फिफ्थ फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, कोई भी फॉर्म नहीं, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में जो आता है, ये जो टू के बाद जो वर्ब आता है उसका हम फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे. ओके फ्रेंड्स, अभी क्या तुम जीतने की कोशिश करते हो, तो क्या तुम है तो डू यू होगा, डू यू ट्राई, कोशिश करना मतलब मेन वर्ब आ गया. डू यू ट्राई टू मी, वह क्यों जाना चाहता है, तो व्हाई डज ही वांट टू गो. ओके फ्रेंड्स, इसमें यही समझना है कि इसमें इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस में डबल वर्ब आता है. जब डबल वर्ब आता है तो मेन वर्ब के साथ ही ऐसे आईएस लगेगा, बाकी टू के बाद जो वर्ब आता है उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें ऐसे आईएस नहीं लगेगा. ओके फ्रेंड्स, लेकिन टू जरूर लगाना है आपको, जो सेकेंड वर्ब है उससे पहले टू जरूर लगाना है. ओके फ्रेंड्स, तो ये था इन्फिनिटिव वाला. और इन्फिनिटिव में एक और सेंटेंसेज आते हैं जिसमें हाउ टू का इस्तेमाल किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, वो भी हम सीखते चलते हैं. तो ये सेंटेंसेस मैंने लिखा है कुछ. वो अंग्रेजी बोलना जानता है, मुझे साइकिल चलाना आता है, यानी कि मैं साइकिल चलाना जानता हूँ. तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना सीखता है,
जब भी सेंटेंस के अंत में जानना क्रिया होगा, जानना या सीखना, दो वर्ब याद रखना आप, कि जब भी सेंटेंस के अंत में जो मेन वर्ब है वो जानना या सीखना होगा और उसके अलावे एक और वर्ब होगा उसमें, तो समझ जाना कि वो हाउ टू वाला है। हाउ टू लगाकर उसमें बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, कैसे बनाते हैं? ही नोज, जो मेन वर्ब है उसको हम पहले लिखेंगे ही नोज, वो जानता है। क्या जानता है? तो यहाँ पर इसके बाद हाउ टू लिखेगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स, मुझे साइकिल चलाना आता है, तो आता है मतलब मुझे साइकिल चलाना आता है, इसका मतलब होता है कि मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आई नो। उसके बाद हाउ टू राइड साइकिल, तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना सीखता है। ओके फ्रेंड्स, जब अभी सीखना और भाग गया मेन वर्ग में, तो योर ब्रदर लर्न्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड्स नेगेटिव और इंफिनिटिव आएगा तो वही फार्मूला वही है, डू डज लगाकर बनाएंगे। जैसे वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे साइकिल चलाने नहीं आती है, आई डोंट नो हाउ टू राइड साइकिल। तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना नहीं सीखता है, योर ब्रदर डजंट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, अभी इंट्रोगेटिव होगा, तो इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा, जो यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस है वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे क्या वो अंग्रेजी बोलना जानता है, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे साइकिल चलाना आती है, डू आई नो हाउ टू राइड साइकिल। क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना सीखता है, डज योर ब्रदर लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो अभी हम करेंगे प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस क्यों कराता हूँ मैं आपको, ताकि अगर ये दो चार सेंटेंसेस से आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ कंफ्यूजन रहा हो, तो बहुत सारे सेंटेंसेस को सुनकर उसका इंग्लिश देखकर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या था और किस तरीके से बनाना था उसको और इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस से आप ज़्यादा सीखेंगे, प्रैक्टिस से, कोई भी प्रैक्टिस करने से ही सीखता है। ओके फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। सो शुरू करते हैं प्रैक्टिस। वह मुझसे मिलने रोज आता है, ही कम्स टू मीट मी एवरी डे। क्या आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, डू यू गो टू प्ले क्रिकेट। वह मुझसे अंग्रेजी सीखने आता है, ही कम्स टू लर्न इंग्लिश बाय मी। तुम दरवाज़ा खोलने क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो टू ओपन द डोर। वह जीतने की कोशिश नहीं करता है, ही डजंट ट्राई टू विन। वह जाना नहीं चाहता है, ही डजंट वॉन्ट टू गो। वे लोग खेलना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू प्ले। तुम्हारा भाई पढ़ना नहीं चाहता है, योर ब्रदर डजंट वॉन्ट टू स्टडी। वे लोग चाय नहीं पीना चाहते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू टेक टी। मैं हिंदी बोलना ठीक से नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी वेरी वेल। वह बाइक चलाना नहीं जानता है, ही डजंट नो हाउ टू राइड बाइक। क्या आप कार चलाना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। उसे पेड़ पर चढ़ना आता है, ही नोज हाउ टू क्लाइंब अप द ट्री। वह तैरना जानता है, ही नोज हाउ टू स्विम। क्या आप तैरना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू स्विम। वह क्रिकेट खेलना जानता है, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेलना नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल। वह किसी से बात करना नहीं जानता है, यानी कि उसको किसी से बात करने नहीं आती है,
ही डजंट नो हाउ टू टॉक टू एनीबडी। क्या आपके पिताजी अंग्रेजी बोलना जानते हैं? डज योर फादर नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हारा भाई पढ़ने जाता है? डज योर ब्रदर गो टू स्टडी? ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतने सारे सेंटेंसेस से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं और उसका इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।